मोटिवेशन डिमोटिवेशन आपको मालूम होगा 2001 में शायद कलकत्ता में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था, तब आप लोग तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, और ऐसी स्थिति हो गई भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर है, तो 2001 में ऑस्ट्रेलिया और भारत का कोलकाता में मैच था, फॉलो ऑन होना पड़ा, बुरे हाल थे, दोबारा खेलने आए तो फटाफट विकेट जाने लगी, सारा माहौल डीमोटिवेशन का था, ऑडियंस भी नाराजगी अपनी व्यक्त करती ही रहती है, भूल जाती है कि मेरे अपने खेल रहे हैं, जरा उत्साह बढ़ाओ, लेकिन तब ए क्या आउट हो गए देखो क्या है, ऐसा होता है। लेकिन आपको याद होगा राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, इन दोनों ने उस पिच पर जो कमाल किया, ऐसे धीरे 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 तक शाम तक खेल को खींचते चले गए, सारी परिस्थिति को उलट कर दिया, इतना ही नहीं वो जीत करके आ गए मैच को, माहौल पूरा डिमोटिवेशन का था, लेकिन एक संकल्प, कैसे हार सकते हैं, जुट जाएंगे, जूझेंगे, बॉल एक एक बॉल के साथ खेल ताकत दिखाएंगे, परिणाम दिया। तो 2002 में भी आपने देखा होगा भारत की टीम वेस्टइंडीज खेलने गई थी, तो उस समय हमारे एक अच्छे बॉलर अनिल कुंबले, उनको एक बाउंसर से चोट आई और पूरा जड़वा टूट गया, काफी पट्टियां पट्टियां बांध करके, और उसका पेन आप समझ सकते हैं, यहां जब चोट लगती है तो दांत में थोड़ा सा भी दर्द होता है कितना होता है। अब स्थिति ये थी कि अनिल बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की, रोते नहीं बैठे, अगर वो न भी खेलते तो देश उनको दोष नहीं देता, लेकिन उन्होंने तय किया नहीं मेरा जिम्मा है, ठीक है दर्द होता है तो होता है, जितनी पट्टियां लगा सकते हैं लगाएं, मैदान में उतरे। और आपको पता होगा कि उस समय 12 की विकेट लेना यानी बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, और ब्राउन लारा की विकेट लेकर के उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया, यानी एक व्यक्ति का संकल्प औरों को भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं आपके सामने होगी जिसको देख करके आप तय कर सकते हैं कि मैं इमोशंस को मैनेज करने का मेरा तरीका, उस पर देखने का मैं ऐसा कैसी तरीका है उस पर निर्भर करता है। अगर इसको हमने कर लिया तो मूड ऑफ होगा, लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे।